हिंदी सिनेमा की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनका एक ऐसा ही विवाद इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। गौरतलब है कि प्रीति ने 2014 में अपने पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें कि अब इस मामले में 500 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। प्रीति ने नेस वाडिया पर आईपीएल मैच के दौरान छेड़छाड़ और धमकाने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि प्रीति ने इस बात का जिक्र किया था कि नेस वाडिया ने उनका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उन्हें चोट पहुंची, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने बतौर सबूत के तौर पर पेश की थी। प्रीति ने आरोप लगाया है कि मैच के समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी नेस ने टीम के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैच के दौरान खेल ग्राउंड पर टीम के सदस्यों से नेस ने उनके साथ तीसरी बार बदतमीजी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने चार्जशीट में कई लोगों के स्टेटमेंट अटैच किए हैं। जिस वक्त चार्जशीट दाखिल किया जा रहा था वहां नेस वाडिया भी मौजूद थे। हालांकि उन्हें 20,000 रुपए के निजी बंधन पर रिहा कर दिया गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने मंगलवार को नेस वाडिया के खिलाफ 500 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दायर की है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।